नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल हरी ऑर्चिड एप्पल एंड प्लम में। होप यू लाइक माई ऑल वीडियोज़ और सब्सक्राइब करोगे आप मेरे चैनल को। तो आज हम जिस बारे में बात कर रहे हैं वो है हमारी जो प्राइवेट लैंड में हमारे फादर जो कि फॉरेस्ट से रिटायर्ड रेंज ऑफिसर है, जिन्होंने एक सपना लेके आए थे अपना, और अपने सपने को सच करते हुए हमारी अपनी प्राइवेट लैंड में उन्होंने एक जंगल तैयार किया है जिसमें बान और देवदार के मुख्यतः पौधे लगे हैं। और आज हमारे साथ वो मौजूद है, तो हम इसके बारे में उनसे और अधिक जानकारी लेंगे। तो होप यू ऑल लाइक माई वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। अब कुछ शब्द हम उनके आगे सुनते हैं, तो आप सभी ध्यान से सुनिएगा। धन्यवाद, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। से 50 किलोमीटर की दूरी पर है। हमारे साथ रिटायर्ड रेंज ऑफिसर श्री हरि सिंह ब्राटा जी है, जो अपने बाग बगीचे में भ्रमण कर रहे हैं। तो मैंने इनसे सवाल किया है, जो सर ये देवदार और बान मोरू के जो पौधे लगे हैं, क्या सर ये आपने स्वयं लगाया है? सर आप जानकारी दो। नमस्कार जी, इस जानकारी के लिए मैं आपका दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूँ। ये जो प्लांट्स आप देख रहे हैं देवदार के हैं और बान के हैं, ये मैंने रिटायरमेंट मेरे भी 5वां साल सेवानिवृत्ति होकर हो रहा है, उसी दौरान उससे कुछ साल पहले भी मैं, मेरा शौक है वानिकी का, क्योंकि हमारे विभाग में वानिकी का एक सब्जेक्ट है, वनों को उगाना हमारा काम है। तो मैंने अपने प्राइवेट लैंड में भी, निजी भूमि में भी इसकी प्लांटिंग की है, और इसे मैं सहज नर्सरी से लाता हूँ, और विभिन्न विभिन्न मतलब सीजनों में, जैसे सर्दी में, बरसात में, कॉनिफर तो ज़्यादा बरसात में ही लगाया जाता है, देवदार का प्लांट जो है तो उसको उगाया है। कई बार इसमें आग लगता है, आग वाला एरिया हमारे लगती पंचायत पास आधार है, पास आधार के साथ खाली भूमि है, यानी कि खाली है, अगर आग का खतरा रहता है, इसलिए आग को रोकने के लिए, फायर पट्टी तैयार करने के लिए मैंने इसको अपना एक सपना तैयार किया। और आप देख ही रहे हैं बान है, बान का सबसे बड़ा उपयोग क्या है, एक तो इमारती लकड़ी तो नहीं बनती इसकी, ये हमारा फोर्डर ट्री है, फ्यूल होता है, पक्का फ्यूल होता है इसका, और जहाँ बान होता है इसके अपने नीचे काफ़ी पानी रखता है। देवदार में का भी वही है, देवदार भी जब तैयार हो जाता है तो आग के लिए कम मतलब आग, ऐसे देवदार के जंगलों में आग नहीं फैलती है, इसलिए आग से भी बचाव हो जाता है, पर्यावरण की रक्षा हो जाती है, और अपने घरेलू इस्तेमाल के लिए हमारे को सरकारी भूमि पर निर्भर न रहकर हम अपने ही ज़मीनों से हम अपने फ्यूल फॉर्डर तैयार करें, और अपने पशुओं को, अपने घरों के लिए अपने लकड़ी तैयार, जिससे हमारा मतलब लोगों को ये संदेश जाएगा कि हम जंगलों पर ना निर्भर कर रहे, जंगलों को हम बचाएं ताकि हमारी वर्षा समय पर हो, और हमारे जो मतलब खाद जंगलों से, जंगली पत्ती वगैरह, जंगली जानवर जिसमें बन सके खुले में, इसलिए जंगलों का होना हमारे जीवन के लिए बहुत आवश्यक। Thank you.